नमस्कार भाइयों, आज टेक्निकल बुल में आपका स्वागत है। वोडाफोन आइडिया के बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में और ये भी जानेंगे वोडाफोन आइडिया में आज भारी गिरावट की वजह क्या है। तो अगर आपने वोडाफोन आइडिया में निवेश करके रखा है तो यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है और यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ वोडाफोन की आइडिया के बारे में। वोडाफोन के शेयरों में भारी गिरावट की आशंका है। वोडाफोन आइडिया का शेयर 3 रुपये तक जा सकता है। निवेश में कमी और घटती ग्राहकों की संख्या इसका कारण है। सोमवार को यह शेयर गिरावट के साथ 10.39 रुपये में बंद हुआ। शुक्रवार को 13% बढ़ा था। हाल में यह शेयर 13.45 रुपये तक गया था। इसका एक साल का निचला स्तर 2.61 रुपये रहा है। वोडाफोन आइडिया का शेयर एक बार फिर से अपने साल के निचले स्तर से जा सकता है। इस बार यह 3.30 रुपये तक जा सकता है। सोमवार को यह शेयर 10.39 रुपये पर गिरावट के साथ बंद हुआ। गोल्डमैन सैच ने यह अनुमान लगाया है कि इसमें अब गिरावट आएगी। गोल्डमैन सैच ने बेचने की सलाह दी है। गोल्डमैन सैच ने अपने निवेशकों को भेजे गए एक नोट में इस शेयर को बेचने की सलाह दी है। इसके साथ ही इसका लक्ष्य अब 3.30 रुपये कर दिया गया है। ब्रोकरेज हाउस ने अनुमान लगाया है कि यह यहां से लगातार गिरता जाएगा। हालांकि इसकी तुलना में भारतीय एयरटेल शेयर यहां से अच्छा मुनाफा निवेशकों को दे सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट में जीता 20,000 करोड़ का मामला। बता दें कि वोडाफोन आइडिया का शेयर हाल में ही 13.45 रुपये तक पहुंच गया था। वहां से यह गिरकर 10.39 रुपये आ गया है। शुक्रवार को यह शेयर 13% बढ़ा था। हालांकि उसी दिन इसने इंटरनेशनल कोर्ट में 20,000 करोड़ रुपये की देनदारी भारत सरकार के खिलाफ जीती थी। पर सोमवार को यह शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ। AGR की बकाया है 50 करोड़ की राशि। वोडाफोन आइडिया इस समय AGR के करीबन 50,000 करोड़ रुपये में पेमेंट के दबाव में है। इसे 10 साल तक भरना है। वोडाफोन आइडिया का शेयर साल के निचले स्तर से अब तक 4 गुना बढ़ चुका है। इसका निचला स्तर 2.61 रुपये रहा। इस ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया द्वारा निवेश की जाने वाली राशि लगातार घट रही है और भारतीय एयरटेल तथा जियो की तुलना में अब 50% कम हो गई है। 2 सालों में ग्राहकों की संख्या 34% घट के गोल्डमैन सैच का कहना है कि पिछले 2 सालों में इसके ग्राहकों की संख्या में 34% की कमी आई है। वोडाफोन आइडिया के पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या 10% इस अवधि में गिरी है कि ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि हम आगे इस शेयरों में गिरावट देख रहे हैं। बावजूद इसकी प्रतिस्पर्धा कंपनियों की तुलना में इसका कमज़ोर नेटवर्क का मामला बहुत ही परेशान करने वाला है। इससे इसके ग्राहकों की संख्या घटती जा रही है। जियो की नई पोस्टपेड प्लान। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि जियो की नई पोस्टपेड प्लान भारतीय एयरटेल के पोर्ट से भारतीय एयरटेल के रेवेन्यू पर असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। भारतीय एयरटेल का शेयर इस समय 443 के करीब है और इसका लक्ष्य इस ब्रोकरेज हाउस ने 625 रुपये रखा है। यानी यहां से 44% का रिटर्न इसमें मिल सकता है। पिछले महीनों की तुलना में यह शेयर अभी भी 15% नीचे कारोबार कर रहा है। भारतीय एयरटेल का शेयर खरीद सकते हैं।
ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि हमारा मानना है कि भारतीय एयरटेल ईबिटा 10% से ज़्यादा रह सकता है। इसी ब्रोकरेज ने जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को 2,325 रुपये पर खरीदने की सलाह दी है। यह शेयर सोमवार को मामूली बढ़त के साथ 2,215 रुपये पर बंद हुआ। चलिए अब इस न्यूज़ को डिटेल में पूरी तरह समझ लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का शेयर 3 रुपये तक जा सकता है। कारण की है, ग्राहक इसका सिम नहीं ले रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सोमवार को यह शेयर 10.39 में बंद हुआ था। शुक्रवार को 13% तक बढ़ा था। यह दोस्तों उतार चढ़ाव चल रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जो कि एक ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने इसे बेचने की सलाह दी है, क्योंकि इसमें भारतीय एयरटेल और जियो लगातार अपनी अनुमान से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण में इसमें बहुत गिरावट हुआ है, इसलिए गोल्डमैन सैक्स ने इसे बेचने की सलाह दी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, इंटरनेशनल कोर्ट में 20,000 करोड़ का मामला था जो वोडाफोन ने जीत हासिल की है। हालांकि उसी दिन इंटरनेशनल कोर्ट में 20,000 करोड़ के रुपए की देनदारी भारत सरकार के खिलाफ जीती, पर सोमवार को यह शेयर फिर भी गिरावट में बंद हुआ। चलिए दोस्तों, वोडाफोन के गिरावट में सबसे बड़ा प्रमुख कारण मुझे ऐसा लगता है AGR के करीबन 50,000 करोड़ रुपये पेमेंट के दबाव में है। चलिए दोस्तों, बताना चाहूँगा कि 2 सालों में वोडाफोन आइडिया के 34% ग्राहक की संख्या घट गई है, जिसके वजह से यह भी एक कमी दर्शाया गया है। और इस वजह से वोडाफोन आइडिया के ग्राहक के टूटते हुए वजह से इसमें भारी गिरावट देखने को जा रही है। जियो की नई पोस्टपेड प्लान की वजह से भी वोडाफोन आइडिया का गिरावट का बहुत प्रमुख कारण बन सकता है। और दोस्तों, उनका यह कहना है कि भारतीय एयरटेल का शेयर आप खरीद सकते हैं। ये सारे मुख्य कारण हैं कि वोडाफोन आइडिया का ग्राहकों की कमी की वजह से ये हो रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।